धर्मप्रेमी सज्जनों तथा संपूर्ण विश्ववासियों के लिए मैं ये सूचना दे रहा हूं कि हम मानव कहलाने वाले इस समय संपूर्ण विश्व के आंगन में जीवन और मृत्यु से जूझ रहे हैं। इसमें कोई देश अछूता नहीं है जो इस परेशानी में ना फंसे हों। ऐसी अवस्था में जो एक भयावह स्थिति जानबूझ करके भारतवर्ष में तैयार किया गया है तबलीगी जमात के माध्यम से, वो बहुत ही कुकृत्य है, घिनौने कार्य है। जितना भी कोसा जाए उतना ही कम और थोड़ा है कि इंसानियत नाम की कोई चीज़ इन लोगों के पास नहीं है। और ये गलती मौलाना साद की ही नहीं है, अपितु संपूर्ण इस्लाम में मानवता की गंध तक नहीं है। ये तो 2004 के 1 अगस्त में खारी बावली आर्य समाज में बैठ करके मैंने मौलाना फारूक खान को कहा था, जिस मौलाना फारूक खान के साथ मेरा डिबेट था। मौलाना फारूक खान वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने कुरान का हिंदी अनुवाद किया है, उनसे मैं ये बात कही थी। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि तबलीग जमात क्या है, मौलाना साद कौन है, क्या उद्देश्य है तबलीग जमात का, क्या चाहते हैं तबलीग जमात आदि आदि। इस पर ही मैं चर्चा करूँगा थोड़ी देर के लिए। ये तबलीग जमात के जो प्रमुख हैं, मैं उनको ये खुली चुनौती दे रहा हूँ बहस करने के लिए, डिबेट करने के लिए, मुबाहिसा करने के लिए, मुनाजरा करने के लिए, कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करें। जिस मौलाना साद ने देश दुनिया के मुसलमानों को बुलाकर मरकज में यह सुना रहे थे कि तुम लोग अखबार पढ़ते हो, तुम लोगों को कुरान पढ़ना चाहिए, जिस कुरान को पढ़ने के लिए मौलाना साद इस्लाम वालों को उपदेश दे रहे हैं, मैं मौलाना साद से दो टुक में ये कहना चाहता हूँ कि कुरान क्या है, क्या कुरान ईश्वरीय ज्ञान है, कुरान कलामुल्लाह है, ईशवानी है, कि जिसे पढ़ने के लिए आप समग्र मुसलमान को ताकीद कर रहे हैं। इस पर मैं ये खुली चुनौती दे रहा हूँ मौलाना साद को। अभी अभी दिन के 12 बजे 1 अप्रैल के दिन है, 1 अप्रैल का दिन है आज, अभी 12 बजे मैं न्यूज़ चैनल खोला तो फौरन उसमें मुझे सुनाई दिया मौलाना साद फरार है। क्या आखिर क्या गलती की है मौलाना साद ने जो उन्हें फरार होना पड़ा? उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 पुलिस टीम तैयार की उनको पकड़ने के लिए, दिल्ली से भी हुआ, लेकिन मौलाना साद को भगाने में कहीं दिल्ली सरकार का हाथ तो नहीं है? निजामुद्दीन थाना के पीछे से मौलाना साद भाग रहे हैं और कई दिनों से ये चर्चा हो रही है, आ रही है, हर चैनलों में बताया जा रहा है, और मौलाना साद दिल्ली से फरार हो रहे हैं, कहीं ये दिल्ली सरकार की साजिश तो नहीं? मुझे संदेह है। तो आइए मैं आप लोगों को ये बताऊं कि विभिन्न चैनलों के माध्यम से ये दिखाया गया तबलीग जमात के कुकृत्य को, संपूर्ण भारत को बीमार और अस्वस्थ करने के लिए जानकारी होने हेतु, जानकारी होने के बावजूद भी इस घिनौने कार्य को किया। क्यों किया है आप लोग जानते हैं? ये कार्य किया गया CAA और NRC के विरोध में। कारण, ये शाहीन बाग में तो बैठे नहीं थे और ना बैठ सकते थे, उनका साथ देने के लिए इन्होंने जब देखा कि भारत में जो कानून बना है
वो इस्लाम वालों के विरोध में है और इस्लाम वालों के लिए खतरा है, और एक दो को छोड़कर भारत के सभी मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमानों ने इस कानून का विरोध किया है, इसलिए हमें कोई रोक नहीं सकता। हमारी जमात को इस जमात के माध्यम से ही हमें प्रचार करना है। कोरोना वायरस संपूर्ण विश्व में फैलने के बावजूद भी दुनिया से मुसलमानों को बुलाकर या दुनिया के मुसलमानों को बुलाकर संपूर्ण भारत भर में उन जमात को भेजना, 2, 4, 6, 8, 10 लोगों को इकट्ठा करके संपूर्ण भारत में भेज देना प्रचार के लिए, आश्चर्य की बात तो यह है कि जो जिन विदेशियों को भेजा गया है वो भारतीय भाषा को नहीं जानते हैं, और उसमें चीन भी एक देश है जिस चीन के मुसलमानों को भी पकड़ा गया है, बिहार में, झारखंड में आदि आदि, जो चीन में पूरा इस्लाम पर प्रतिबंध है। इस्लाम पर चीन ने जो सख्ती अपनाया है उस पर बोलने के लिए किसी भी मौलाना ने आज तक जुबान नहीं खोली। अतः मौलाना साद ने यह सोचा कि भारत के खिलाफ यह साजिश जानबूझ करके ही उन्होंने रची है। कारण इस कानून के विरोध, कानून का विरोध करने वाले मुसलमान तो हैं ही, इसके विरोध तो वो कर ही रहे हैं, तो उन मुसलमानों से कट्टर मुसलमान तो हम हैं, ये मौलाना साद सोच रहे हैं। क्यों कि भले ही जो मुसलमान शाहीन बाग में बैठ करके विरोध कर रहे हैं उन्हें तो 6 कलमा भी नहीं आते, वो इस्लाम को नहीं जानते, और हम इस्लाम को जानते हैं, हम इस्लाम को सिखाते हैं, जो हम इस्लाम को जितना जानते हैं वो औरों की जानकारी और मुसलमानों को इतनी जानकारी नहीं है। जो लोग इस्लाम को अच्छी तरीके से जानते नहीं हैं, अब जब वो लोग विरोध कर रहे हों और मैं जानने के बावजूद भी इसका विरोध न करूं तो ये अपने आप में बेईमानी है। और पक्का मुसलमान बनाने के लिए जो हमारा ये विरोध कानून के खिलाफ जो कार्य है वो मैं ही मुसलमानों को तैयार कर सकता हूं और संपूर्ण भारत को बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। ये सोचकर मौलाना साद ने संपूर्ण देश दुनिया के मुसलमानों को दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में बुलाया तबलीग जमात के माध्यम से, और भारत को बर्बाद कैसे करूंगा, इस कोरोना वायरस को फैलाकर, इस कोरोना वायरस को और जगह पहुंचाकर संपूर्ण भारत भर में, कि जिस भारत के कर्णधार माननीय प्रधानमंत्री हो, गृहमंत्री हो, अथवा भारत के संचालन करता, कि इनकी मंशा पर पानी फेरने का काम तो हम इस्लाम वालों का है, लेकिन इस्लाम वाले वो विरोध कर रहे हैं जो इस्लाम को नहीं जानते हैं, और मैं इस्लाम का जानकार हूं, मैं औरों को इस्लाम के बारे में जानकारी कराता हूं, हमारी संस्था तबलीग जमात दुनिया वालों को मुसलमान बनाने में लगे हैं, मुसलमानों को असली मुसलमान बनाने में, कट्टर मुसलमान बनाने में, कुरान और हदीस के रोशनी में उन्हें तालीम देने में हम अग्रणी हैं, तो हम इसके पीछे रहें, ये हो सकता है क्या? ये समझ करके उन्होंने अपना मंशा और उद्देश्य के लिए ये साजिश रची कि संपूर्ण मीडिया उसे जवाब देने के लिए किसी के पास कोई सवाल ही नहीं है जो उनको उनसे जवाब पूछे, अपितु मीडिया में बैठकर शोएब जमाई अमीश देवगन को ये बोल रहा था, कल मैं सुना कि तबलीग जमात के प्रमुख का नाम तमीज से लीजिए, लेकिन अमीश देवगन उसे ये नहीं बता पाए कि भाई तुमसे हमें तमीज सीखना पड़ेगा क्या, तुमसे हमें सभ्यता और शिष्टाचार सीखना पड़ेगा क्या, कि जिस भारत के ऋषि मुनियों ने दुनिया को तमीज सिखाई, दुनिया को सभ्यता सिखाया, दुनिया को शिष्टाचार सिखाया, और तुम अरब वाले हमें शिष्टाचार सिखा रहे हो, क्या तुम्हारा यही शिष्टाचार है कि इस मुसीबत की घड़ी में हमारे जो लोग जितने जहां भी लगे हैं वो जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं, चाहे वो सेना हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे बिजली विभाग हो, कोई भी सरकारी तंत्र
इस काम में अपने को पीछे नहीं रखा, अपितु सब एक से बढ़कर एक हिस्सा लेने में लगे हुए हैं। यहां तक के लोगों को गाना बजाना करते हुए, गाना सुनाते हुए लोगों की हिम्मत अफजाई करने में जुटे हुए हैं और उन्हें भोजन भी करा रहे हैं। क्या आपकी यही तमीज है जो संपूर्ण भारत को ही नहीं विश्व के आंगन में त्राहिमाम मची हुई है और दुनिया वालों को बुला करके आप भारत को अस्थिर कर भी तमीज सिखाने आए हैं? मैंने कई बार कहा टीवी चैनल वालों को कि इस शोएब जमाई को न बुलाया जाए। ये जिस मानसिकता के लोग हैं वो यही तबलीगी जमात के मानसिकता वाले लोग हैं, ये जितने भी मौलाना उनके तरफदारी कर रहे हैं। मेरी चुनौती है उन मौलाना साद को कि जिन्होंने अपने भाषण में कहा मुसलमानों तुम कुरान पढ़ते हो, तुम्हें अखबार, तुम कुरान नहीं पढ़ करके तुम अखबार पढ़ते हो, तुम्हें कुरान पढ़ना चाहिए। मेरी चुनौती यह है कि आखिर कुरान में क्या है जिसे पढ़ने के लिए मौलाना साद दुनिया के मुसलमानों को दावत दे रहे हैं। कुरान में तो मानवता विरुद्ध, विज्ञान विरुद्ध, सृष्टि नियम विरुद्ध बातों की गुंजाइश है। उसे पढ़ने से मानव समाज का क्या कल्याण होना है, क्या भला होना है, मौलाना साद जरा बताएं। मौलाना साद अपनी पूरी जमात को लेकर के आए, कुरान से मानव का क्या भला होना है बताएं। भारतवासियों को ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में मानव मात्र को यह जानना जरूरी है कि तबलीग जमात एक कट्टर इस्लामिक संगठन है। इसका उद्देश्य संपूर्ण विश्व को इस्लामिक देश बनाना। हर मुसलमान तो कट्टर मुसलमान बन नहीं सकता, लेकिन ये कट्टर मुसलमान बनाने के लिए, मुसलमान कहलाने के लिए, ये मुसलमान कहलाने वालों के मकसद को पूरा करने के लिए ही ये तबलीगी जमात है। तबलीगी जमात का जन्म भी इसीलिए हुआ था। मेवात के रहने वाले मौलाना इलियास ने 1925-26 के दशक में इस संस्था को कायम किया था और तब से लेकर के आज तक संपूर्ण विश्व के आंगन में ये तबलीगी जमात का मरकज संस्था कायम है, जिसमें केवल और केवल मुसलमानों को कट्टर मुसलमान बनाया जाता है कुरान और हदीस की रोशनी में। इस्लाम के अरकान को सिखाया जाता है। जब इस्लाम को नहीं सीखेंगे, जब 6 कलमा पढ़ना नहीं आएगा, तो वो मुसलमान कहलाने के हकदार क्यों और कैसे होंगे? यही तालीम है इनकी। इसी तालीम को ये तबलीग जमात का ही मकसद देना मकसद है कि संपूर्ण विश्व को इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन को मैं परसों सुन रहा था, उसने भी बड़ा गड़बड़ झाला किया। उसने स्पष्टीकरण नहीं दिया जो भारतवासियों को, ऐसे लोगों को वो धोखा दिए है। बहुत ही दुखद स्थिति है। भारत सरकार को चाहिए कि इस तबलीगी जमात और जमात इस्लामी पर अभी अभी प्रतिबंध लगाए। मौलाना महमूद मदनी ने भी इन्हीं मौलाना साद का पक्ष लिया और वो भी बोले अंसार रिजा और शोएब जमाई, ये जितने भी मौलाना लोग इनके तरफदारी कर रहे हैं वो सब के सब दोषी हैं, सबको अरेस्ट कर लेना चाहिए। भारत विरोधी बातें जो करे वो सब के सब उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। जो भी इस्लाम वाला कुरान को कलामुल्ला कहें, ईश्वरीय उपदेश और ज्ञान बताएं, भारत सरकार को चाहिए उन्हीं लोगों से मेरा डिबेट करा दें। अगर वो कुरान को कलामुल्ला सिद्ध कर सकें तो संपूर्ण भारत को, भारत के लोग इस्लाम को स्वीकार करेंगे। ये मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ। शायद भारतवासी ये सोच रहे होंगे कि संपूर्ण भारतवर्ष का ठेका महेंद्र पाल ने कैसा लिया। मैं भारतवासियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कयामत तक ये जितने भी इस्लाम के जानने और मानने वाले हैं, चाहे मौलाना साद हो या मौलाना का पूरा खानदान हो, कुरान को कलामुल्ला सिद्ध करना कयामत तक के लिए संभव नहीं होगा। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। क्यों नहीं होगा, उसका एक दो कारण भी मैं बता दूंगा। आज तक इस्लाम वालों को इतनी बड़ी चुनौती भी नहीं मिली होगी। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि मौलाना मुफ्ती यासिर नदीम जो सर्जिकल स्ट्राइक चला रहा था, एपिसोड चला रहा था,
मैंने 3 वीडियो उसके सर्जिकल स्ट्राइक का ऑपरेशन कर रहा हूं, 3 वीडियो में बना करके दिया। उसके जवाब में उसने एक बार 4 मिनट का एक छोटा सा वीडियो बना करके दिया, फिर उसका जवाब में मैं दिया हूं। आज उसकी बोलती बंद हो गई, सामने नहीं आ पाए, आज तक उसका वीडियो आना बंद हो गया है, सर्जिकल स्ट्राइक का वो एपिसोड बंद हो गया है। इस तरीके से ये इब्राहिम है, इमरान है, ब्रदर इमरान है, आदि आदि ये जितने भी चिरपो करने वाले लोग हैं सबकी बोलती बंद हो गई, सब किनारे लगे हैं, महेंद्रपाल के सामने आने की हिम्मत किसी की भी नहीं हुई और ना ये आप आएंगे। मैं कयामत तक समय दे रखा हूं। कुरान कलामुल्ला इसलिए नहीं है कि कुरान में मनगढ़ंत बातें वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध, वैदिक सिद्धांत का भी नहीं, मानवता विरुद्ध, विज्ञान विरुद्ध, सृष्टि नियम विरुद्ध बातों की गुंजाइश है। एक दो जगह नहीं, ऐसे ही कुरान भरा पड़ा है। कुरान में तो अल्लाह ने वकातिलु हत्ता ला तकून फितनतुन वयकून अद्दीनु लिल्लाह बताया कि जब तक अल्लाह का दीन तमाम दुनिया में फैल ना जाए, मुसलमानों को जहां, मुसलमान काफिरों को जहां पाओ वहीं कत्ल करो। केवल इतना ही नहीं, या अय्युहन नबी हर्रिजिल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम, ऐ नबी तुम मुसलमानों को उभारो काफिरों के खिलाफ, तुम 20 मुसलमानों 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे, तुम 100 हो 1000 पर भारी पड़ोगे। यही कुरानी तालीम मौलाना साद तबलीग जमात के माध्यम से हर मुसलमानों के दिल और दिमाग में भर रहे हैं। इसलिए मैंने 2 टुक में ये कहना बतलाना उचित समझा, सुबह मैं अपने फेसबुक पेज में लिख करके भी लिया इन्हीं बातों को, और जहां पर मैं दिया हूं मेरे फेसबुक पेज में बहुत से लोगों ने पढ़ा। मैं वीडियो भी बना करके दिया था लेकिन इत्तेफाक से वो वीडियो नहीं खुला मेरे पेज में, मुझे दोबारा लिखना पड़ा, दोबारा वीडियो बनाने की आवश्यकता हुई, इसीलिए मैं दोबारा इस काम में लगा हूं। बंधु, मैं आप भारतवासियों से ये निवेदन कर रहा हूं कि कुरान कलामुल्ला क्यों और कैसा हो सकता है, कुरान कलामुल्ला क्यों है, कैसे होगा, जो सृष्टि नियम के विरुद्ध बातें हैं, विज्ञान विरुद्ध बातें हैं। उसे कुरान में अनेक आयतें हैं जो गैर मुस्लिमों को मारो कत्ल करो आदि आदि, इन दीन इंदलाल इस्लाम, एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है, इस्लाम को छोड़ करके और कोई धर्म ही नहीं है, और वो इस्लाम को छोड़कर जितने भी हैं वो वाजिबुल कत्ल हैं, वो कत्ल करने योग्य हैं। ये सारा उपदेश कुरान का है। अगर आप लोगों को विश्वास न हो तो पिछले दिनों में 1985 में मार्च महीने में पद्म हस्तगिर के इजलास में कलकत्ता हाई कोर्ट में CM चोपड़ा और शीतल सिंह नाम के 2 व्यक्ति ने, एक माननीय वकील साहब CM चोपड़ा और शीतल सिंह जो हैदराबाद से आए हुए थे, उन्होंने पद्म हस्तगिर के इजलास में रिट दायर किया था, उस पर सुनवाई होने नहीं दिया ज्योति बसु ने, उसे पुस्तक का आकार दिया है सीताराम गोयल प्रकाशन वालों ने, जो दरियागंज के थाना के पीछे जो रास्ता है अंसारी रोड, उसी अंसारी रोड में उनकी दुकान है, उस दुकान से आप लोग इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, मैं अपने फेसबुक पेज में भी वो उठा करके दिया हूं, जबकि मेरे होम पेज में कभी मैं किया था, ये किसी ने उठा करके दिया, उसको मैं पेस्ट किया हूं। बुखारी शरीफ हदीस का मोजेजा चमत्कार, मोजेजा माने चमत्कार, ऐसे ही चमत्कार की घटना कुरान भरा पड़ा है। कहीं ईसा का चमत्कार है, कहीं मूसा का चमत्कार है, कहीं पैगंबरों का चमत्कार है। जो शक्कुल कमर बताया है, कमर माने चांद, शक माने फट जाना, दृढ़ पड़ना, टुकड़ा होना आदि आदि। हजरत मोहम्मद साहब ने उंगली के इशारा से चांद को 2 टुकड़ा किया। इस्लाम वाले इसे सच मानते हैं। ये विज्ञान विरुद्ध है, मानवता विरुद्ध है, और सृष्टि नियम भी विरुद्ध है। सृष्टि नियम में के विरुद्ध इसलिए है कि ईश्वर प्रदत्त बनाए हुए सामान को, बनाए हुए चीजों को कोई मानव उसके ऊपर हस्तक्षेप करे, ये कभी भी संभव नहीं है। यह कुरान नहीं जानता है, इस्लाम के मानने वाले लोगों को भी पता नहीं। सृष्टि नियम विरुद्ध बातों की गुंजाइश, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने
سب سے پہلا پیغمبر بنا کر کے بھیجا, یہ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ بائبل, بائبل اور قرآن کے مادھیم سے سب سے پہلا مانو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پیغمبر بنا کر کے بھیجا, نبی بنا کر کے بھیجا. پیغمبر شبد کا ارتھ ہوتا ہے پیغام لانے والا. پیغام کس کا؟ اللہ کا. پیغام کن کے لیے؟ جن مانس کے لیے, مانو ماتر کے لیے. تو جب مانو ماتر کے لیے پیغمبر پیغام لائے, سب سے پہلا انسان, سب سے پہلا مانو آدم. لیکن اس ان دنوں میں جب دنیا میں کوئی مانو تھا ہی نہیں, تو یہ پیغام اللہ نے پیغمبر کو کس کو بتانے کے لیے بھیجا تھا؟ سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے, جب کوئی پیغمبر آئے گا تو پیغام اللہ کا لے کر کے آئے گا, اس اللہ کے پیغمبر پھیلانے کے لیے آئے گا, پہنچانے کے لیے آئے گا. تو جب دنیا میں کوئی آدمی ہی نہیں, تو پھر پیغمبر کیوں اور کیسا؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہ آدم پتی پتنی, دو بیٹے دو بیٹی, چار اور دو چھ, چھ آدمی کو بھی اللہ سنبھال کر کے رکھ نہیں پائے. آدھی سرشتی سے ہی اللہ اس مانو سماج کو لڑنے لڑانے کا کام کیا ہے. اور جب ایک بہن دیکھنے میں خوبصورت تھی, آدم سنتان دونوں بھائی اس بہن کی طرف ٹک ٹکی لگائے, تو ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اور اس کو کیا کرے, اسے دفنانے کے لیے اللہ نے دو کوا بھیجا, اور دونوں کوا آ کر کے وہاں اس کے سامنے لڑنے لگے. ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا, اور وہ کوا مٹی کھود کر کے دوسرے کوا کو دفنایا. آدم پتر نے سوچا کہ ایسے جو میں بھائی کو مارا ہوں, اس کو بھی ہمیں دفنانا چاہیے. تو پیغمبر آدم ہوا یا پیغمبر کوا ہوا؟ کوا پیغام دے رہا ہے, یہ ہمارے شش نے آج ہمیں بتایا. ہمارے ایک شش نے ہمیں بتایا کہ گرو جی, کیا کبھی اس پر اسلام والوں نے بیچار کیا ہے؟ اسلام والوں کے پاس ان سب باتوں کے بیچار کرنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. میں کیول اتنا ہی نہیں, یہ سب سرشتی نیم ورودھ, وگیان ورودھ باتیں ہیں, لیکن یہاں تک تو بات ٹھیک تھی. جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مار دیا بہن کو پتنی بنانے کے لیے, تو جس کو مارا اس کی پتنی کا کیا ہوا؟ اس کی چرچا نہ قرآن میں, نہ حدیث میں, نہ کہیں تواریخ کی کتاب میں, کسی اسلامی گرنتھ میں اس کی چرچا نہیں ہے کہ اس پتنی کا کیا ہوا جو ودھوا ہوئی. آگے چلتے ہیں, وگیان ورودھ سرشتی نیم ورودھ باتوں کی گنجائش قرآن میں کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا, انہوں نے ایک ایشور بات کا پرچار کرنا چاہا, دنیا کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے, انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگا. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا. پارہ نمبر 29 سورہ نوح آیت نمبر 26 27 اور 28 کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا, یہ اللہ کہہ رہے ہیں. کیا دیکھیں, تو نوح نے اللہ سے کہا, یہاں نوح اللہ سے کہہ رہے ہیں اور کلام اللہ کا ہے بتایا جا رہا ہے. اللہ سے کیا کہا نوح نے؟ اے اللہ, تو دنیا والوں کو فنا کر دے, دنیا والوں کو دھنس کر دے, دنیا والوں کا بیڑا غرق کر دے. اگر تو دنیا والوں کے سارات میں چھوڑے گا, سب کے سب لوگ کفر کرنے لگیں گے, سب کے سب کافر ہو جائیں گے. اے اللہ, ہمیں بچا, ہمارا بیوی بچہ کو بچا, ہمارا اہل ویال کو بچا, جو لوگ ہمارے گھر میں داخل ہیں ان لوگوں کو بچا, باقی دنیا والوں کو فنا کر دے. تو کیا اللہ اپنے طرف سے یہ نہیں بتا سکتے, جبکہ قرآن میں ہی اللہ نے کہا ہے, اللہ یشاء اللہ لہد الناس جميعا, میں اگر چاہوں تو چند منٹوں میں بے دینوں کو دین میں ملا سکتا ہوں. اگر اللہ چاہتے بے دینوں کو دین میں ملا سکتے ہیں, تو نوح کو تو اللہ کہہ سکتے تھے, ان کے فنا ہونے کا دعا کیوں مانگ رہا ہے؟ میں ابھی تیرے دین میں ان لوگوں کو کر دیتا ہوں. ایسا نہیں کیا, ابھی تو اللہ نے الٹا بولا. کیا بولا؟ حتی اذا جاء وفرت النور قل اعمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول من آمن وما آمن معه الا قليل. نوح کو اللہ نے اپدیش دیا, کہا کہ ایک ناؤ بنے, کشتی تیار کرو, اور ہر ایک کا دو جو جوڑی نباتات, جمادات, حیوانات, مانو دانا, کیٹ پتنگ, جتنا جو کچھ بھی ہے, ہر ایک کا دو جو جوڑی اس ناؤ پر لے جاؤ, میں دنیا کو فنا کر دیتا ہوں. یہ دنیا کا فنا کرنے والا اللہ ہے, لیکن پرماتما سے یہ کام ہونا سمبھو نہیں, کیونکہ پرماتما سرو رکشک ہے. اوم شبد کا ارتھ ہی ہوتا ہے سرو رکشک,
जब सबका रक्षा करने वाला परमात्मा है, वो परमात्मा किसी का फना किसी को फना नहीं करेंगे। सृष्टि नियम विरुद्ध है। क्यों? कि परमात्मा प्राणी मात्र पर दया करने वाले हैं। जब प्राणी मात्र पर परमात्मा का दया करना, यह स्वाभाविक गुण है परमात्मा का। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं यह सृष्टि नियम विरुद्ध बात है। तो हजरत नूह जिन जिन चीजों को लाए वो आज हमारे सामने है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इस्लाम जगत के विद्वानों से, मौलाना साद से, एक सुअर लाया गया था या नहीं? अगर सुअर लाया गया था तो कारण क्या था? अन्ना लाए होते तो आते कैसे? हजरत नूह ने लाया था या नहीं? आगे चलता हूं मैं। ये तो मैं जिंदगी भर बोलता रहूंगा, फिर भी समाप्त होने वाला नहीं है कि 6666 आयतों में सब जगह घुसने की गुंजाइश है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक कुंवारी के पेट से पैदा किया। और पैदा कैसा किया? तो कुरान गवाह है, वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वबनाहा आयतन लिल आलमीन। मरियम के फुरूजहा, अरबी डिक्शनरी खोज करके देख लेना। बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को। उस किताब में मैंने फिगर उठा करके दिया हूं, फुरूजा किसको कहा जाता है। फूंक मारा, फूंक मारा तो फूंक मारने के लिए शरीर होना चाहिए। तो फूंक मारने पर कोई गर्भवती हो जाए महिला, कुमारी महिला, ये सृष्टि नियम के विरुद्ध है कि सृष्टि सम्मत है? फूंक मार करके किसी महिला को गर्भवती बनाना ये सृष्टि नियम के विरुद्ध है या नहीं? ये डॉक्टर जाकिर नायक जैसे MBBS मुन्ना भाई के लिए सच होना संभव होगा, मौलाना साद के लिए संभव होगा, लेकिन जो विज्ञान का जानने वाला है, जो पढ़ा लिखा आदमी है, कभी भी इसको सच नहीं मान सकता। वही तो कॉलर रब्बो करीम लाया कि नहीं, वहां मरियम को अल्लाह ने बोला कि तेरे पेट में एक बच्चा होने वाला है। मरियम को जिब्रील ने आकर के संदेश दिया, वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वबनाहा लिलआलमीन। ये तो बोला ही बोल रहा। मरियम को संदेशा दिया आकर के जिब्रील कि तेरे पेट में एक बच्चा होने वाला है। मरियम कह रही मैं कुमारी हूं, मेरे पेट में बच्चा, ये तो असंभव बात है, नामुमकिन बात है। जिब्रील निकाल रहा के पास असंभव नाम का कोई शब्द नहीं है। वो एक बार कह दे कुन हो जा, फयाकुन, पस हो जाएगा। एक बार हो जा कह देने पर हो जाएगा, जबकि होने के लिए तीन कारण होना चाहिए। तीन कारण के बगैर क्रिया नहीं होगा। यहां मौलाना साध ने जो भी किया है वहां पर भी तीन कारण है। मौलाना साध ने बुलाया, दुनिया के लोग आए और निजामुद्दीन मरकज शेल्टर, इन तीनों में से एक को हटाइए, देखिए मौलाना साध का काम चलता है कि नहीं चलता। नमाज, नमाजी और जिसके लिए नमाज पढ़ी जावे, इन तीन में से हटाइए को काम चलता है कि नहीं, देखिए। ये इस्लाम नहीं जानता, कुरान नहीं जानता इस चीज को, ये सब सृष्टि नियम विरुद्ध बात है। तो वहां पर जिब्रील ने कहा कि अल्लाह के पास कोई असंभव नहीं है, एक बार हो जा कह देगा हो जाएगा। अल्लाह ने इसका दलील क्या दिया कि बिना बाप का ईसा को वैसा करा कैसा बना दिया अल्लाह ने? तो अल्लाह ने इसका जवाब दिया, क्या बोला? इन्नम मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलकहु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहु कुन फयकून। छोड़ो ईसा को, इन्नम मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलकहु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहु कुन फयकून। एक बार नहीं, अनेक जगह है ये। अल्लाह ने कहा, कह रहे छोड़ो ईसा को, आदम को देखो, जब आदम को मैं बिना माँ और बिना बाप का बना सकता हूं, तो एक ईसा का बिना बाप का बनाना मेरे लिए कोई कठिन काम है? तो एक बार कह दे हो जा, बस हो जाता है, जैसे नानी घर का खेल समझ लिया। ये सृष्टि नियम विरुद्ध बात है, विज्ञान विरुद्ध बात है, मानवता विरुद्ध भी बात है। किसी कुंवारी की संतान हो जाए, उस ईसा को खाना भेजा उस आसमान से, मरियम को भी खाना भेजा बैतुल मुकद्दस में। जकरिया पूछ रहा है, क्या मरियम उसके मौसा था, वो पूछ रहे तेरे पास खाना कब? तो आसमान से आता है, आसमान से, 5-star होटल है आसमान में अल्लाह का। आ जाओ मौलाना साहब, जिस कुरान पढ़ने के लिए तुम दुनिया वालों को बता रहे हो, कुरान खोल खोल करके सुनाऊंगा मैं तुझे, और बताऊंगा कि ये कुरान पढ़ने वाली किताब है क्या, इसमें कौन सी ज्ञान की बातें हैं।
जो मानव समाज का उद्धार हो सकता है, मानव समाज का उत्थान हो सकता है। दस्तरखान में अल्लाह ने खाना भेजा ईसा को, ईसा को बाल अवस्था में ईसा से बुलवाया। ये सृष्टि नियम विरुद्ध है, सृष्टि नियम विरुद्ध बातों की गुंजाइश कुरान और बाइबल में भरे पड़े हैं। इस तरीके से इब्राहिम को भी देखे, इब्राहिम को भी अग्नि में डाला और वो जिंदा आ गया, अग्नि को फूल का बगीचा बना दिया। अग्नि का फूल का बगीचा बनना क्यों और कैसा संभव होगा? नमरूद के लिए ऐसा हुआ। हजरत मूसा को देखिए, मूसा का छड़ी अजदहा बन गया, लाठी अजदहा बन गया। मैं पूछा कुरान वालों से, अभी दो दिन पहले लिख करके दिया था कि अजदहा बन गया कि वो जंगल में गया, क्या फिर लाठी बन गया? वो उसके लिए कोई चर्चा कुरान में नहीं है। ये सब सृष्टि नियम विरुद्ध बातें हैं, ये सब विज्ञान विरुद्ध बातें हैं। उसी मूसा के लिए कल मैं लिखा कि नील नदी में उसी छड़ी को मारा तो 12 रास्ता बन गया, लोग गए वहां से और फिरौन को उसमें डुबो दिया अल्लाह ने। यह अल्लाह का काम है। सुनो दुनिया वालों, कुरान क्या कह रहा है, ये सब अल्लाह का काम है। सूरह यूनुस को खोल करके देखो, सूरह यूनुस में 80 नंबर आयत से लेकर के 97 तक देखो, ये सारा किस्सा पा जाओगे। केवल इतना ही नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूं कि उसी मूसा के कौम के लोगों ने जब प्यास बुझाने के लिए पानी मांगा, वहां पानी नहीं मरुभूमि में, अल्लाह ने कहा छड़ी को मारो पत्थर पर, पत्थर को छड़ी पे, छड़ी को पत्थर पर मारने से 12 चश्मा जारी हो गया, फुवारा निकल पड़े। ये सृष्टि नियम विरुद्ध बातें हैं, विज्ञान विरुद्ध बातें हैं। मौलाना साद मैं कितना बताऊंगा, जिंदगी बीत जाएगी लेकिन मेरा बताया जाना पूरा नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आधा घंटा से ऊपर हो गया मैं इस वीडियो को तैयार कर रहा हूं। इसी तरीके से सृष्टि नियम विरुद्ध बातें कुरान भरी पड़ी है, एक दो नहीं, न मालूम पहले से लेकर के अंतिम तक, अव्वल से आखिर तक। वहां पर जो 5 आयत अल्लाह ने भेजी, इकरा बिस्मि रब्बिकल लजी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा वरब्बुकल अकरमुल लजी अल्लम बिल कलम वअल्लमल इंसान मा लम यअलम। अल्लाह ने कहा जिब्रील के माध्यम से मोहम्मद को भेजा, मोहम्मद के पास भेजा। मैं पूछना चाहता हूं कि जिब्रील ने मोहम्मद को सुनाया, ये तो बात ठीक है, प्रमाण भी मिलता है, लेकिन जिब्रील को मिला कहां से? जिब्रील कहां से पाया? जिब्रील को अल्लाह ने पढ़ाया, अल्लाह ने सुनाया, अल्लाह ने बताया। इसका हवाला दो मौलाना साथ, साथ तुम्हें साथ स्वाद चखाऊंगा, और स्वाद चखने के लिए तुम भागे हो, तुम दोषी हो, तुम चोर हो, तुमने गलत काम किया है, बहुत बड़ी गलती की है, तुमने संपूर्ण भारत को दांव पर लगा दिया। वर्तमान समय में संपूर्ण भारत वासियों को चाहिए एकजुटता दिखाते हुए भारत सरकार को सहयोग करना कि जो लोग जान जोखिम में डाल करके ये सारे काम हम भारतवासियों को बचाने के लिए केवल ये काम कर रहे हैं, और आज ये बेईमानी ये अपने को ईमानदार कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा बेईमान यही है। एक केवल कोरोना वायरस नहीं है, संपूर्ण इस्लाम ही वायरस है। इस इस्लाम रूपी वायरस को जब दुनिया से नहीं निकालेंगे, मानव मात्र का शांति मिलना संभव नहीं होगा। मानव मात्र को शांति पाया जाना मानव मात्र के लिए संभव नहीं होगा। इसी वायरस को निकालना पड़ेगा संपूर्ण दुनिया से। इसीलिए ऋषि दयानंद को भी लिखना पड़ा आर्य समाज के 8वां नियम में, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। ये सब अविद्या है, कुरान और बाइबिल। इन अविद्याओं को जब तक आप समूल नष्ट नहीं करेंगे तो विद्याओं की वृद्धि होना संभव नहीं होगा। इसीलिए मैं चुनौती दे रहा हूं कुरान और बाइबल वालों को, आओ किसके पास दम है, हम डिबेट करते हैं सामने बैठ करके। हम हार जाते हैं तो हम तुम्हारे हो जाएंगे, तुम्हारी बातों स्वीकार कर लेंगे। अगर तुम लोग हार गए तो वैदिक धर्मी बनना पड़ेगा। यही मौका है कि मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि संपूर्ण भारत वासियों को एकजुट होकर के एकजुटता दिखाते हुए भारत सरकार का सहयोग करना, और जो जान जोखिम में डाल करके ये हमें बचाने के लिए जो ये काम कर रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करना, उनके सामने नतमस्तक हो जाना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गलती स्वीकार किया है, ये जबकि उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये इतना बड़ा गलती करके ये भाग रहा है, उसको माफी मांगना चाहिए था। माफी मांगने के डर से ये भाग रहा है, ये कितने बड़े विश्वासघात हैं, कितने बड़े विश्वासघाती है, कितना बड़ा विश्वासघात किया है इसने भारत के साथ, संपूर्ण भारत के साथ ये विश्वासघात किया है।
पर भाइयों आप लोगों को ये पता होना चाहिए ये विश्वासघात मौलाना साद का नहीं है, यही विश्वासघात करने के लिए इस्लाम का आदेश है, कुरान का आदेश है, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने कहा वमकरू वमकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि मकर करते हो तो मैं भी मकर करने वाला हूँ, मैं तुमसे ज्यादा मकर करता हूँ। यही मकर, मकर माने होता धोखा, यही धोखा मुसलमान इस्लाम के जन्म काल से अब तक ये करते आए हैं गैर इस्लामियों के साथ। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि इतना बड़ा धोखा करके माफी मांगने के बजाय, नतमस्तक होने के बजाय फरार होना क्या दर्शाता है? आइए अपने को दीनदार कह रहे, अरे दीनदार क्या हो तुम, तो महा बेईमान हो, संपूर्ण इस्लाम बेईमान है, इस्लाम जानता ही नहीं है कि ईमान होता क्या है। इसलिए मैं ज्यादा लंबा ना करता हुआ वाणी को यहीं पर विराम क्यों ले जाना चाहूंगा कि इस संकटमय घड़ी में हम भारतवासियों को जीवित रखने के लिए, भारतवासियों को जिंदा रखने के लिए, भारतवासियों को जीवन जीने के लिए, जीवन जीने देने के लिए जो लोग अपने जान हथेली में लिए सेवा में लगे हैं उनका शुक्रिया अदा करें। लेकिन ये कितने बड़े विश्वासघाती हैं देखिएगा। कल जब दूरदर्शन में मैं देख रहा था, बस में जब ले जाया जा रहा था उसी निजामुद्दीन मरकज से निकाल करके TTC बस में, सारी ग्रीन बस लगी हुई थी, उन ग्रीन बस में जिन लोगों को बिठाया जा रहा था और वहां पर ताकीद की गई थी कि कोई भी खिड़की खुला न रह जाए, कोई भी खिड़की खुली मत रखो, लेकिन उसी खिड़की खोल करके थूक रहे, पुलिस वालों पर थूका, डॉक्टरों पर भी थूका, सड़क पे थूका, यह बेईमानी नहीं तो और क्या है, यह हरामी पना नहीं तो और क्या है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं भारतवासियों, गैर मुस्लिमों जरा तुम होश में आओ, तुम्हें यह मालूम होना चाहिए यह इस्लाम का जिहाद है। कल के शहजाद पूना वाले ने टीवी में बैठ करके इसी को जिहाद कहा था, तो एंकर ही उसका विरोध कर रहा है, यह सब बदतमीज है, बदतमीज, जिसको कोई सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं है, यह एंकर हो या फैंकर हो, ये कुछ नहीं जानते, ये हमारे कॉलेज में आकर के पढ़े पहले कि एंकर ही क्या करना पड़ता है, ये बात करे तो, दिल्ली की बात करे तो, इसकी बात करे तो, अबे इसकी बात करे उसकी बात, जो पूछा जा रहा है उसको बोलेगा इसकी बात करे तो, इसकी बात करे तो, क्या ये तकिया कलाम बन गया इन लोगों का। मैं दावा के साथ कह रहा हूं जब शहजाद पूनावाला ने बिल्कुल ठीक कहा था, शहजाद पूनावाला ने कहा कि इसी का नाम आतंक है, इसी का नाम जिहाद है, ये जिहाद ये फैला रहे हैं। अब कारण क्या है जिहाद का जानते हैं आप लोग? ये अगर मरेंगे तो सीधा जन्नत जाएंगे, और अगर जिएंगे तो इस भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना करके इसमें जिएंगे। ये भारतवासियों को इसको समझना पड़ेगा, बारीकी से इसको समझना पड़ेगा, भारतवासियों को अपना दिमाग में जगह बनानी होगी। और इसीलिए मैं हाथ जोड़ता हुआ, अनुनय विनय करता हुआ उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ, उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपने जान जोखिम में डालकर, अपने जान हथेली पे लिए हम जैसे भारतवासियों को बचाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, और इन हरामजादों को ढूंढ ढूंढ करके पीटना पड़ेगा जो संपूर्ण भारत को इस कोरोना वायरस को फैलाने में जो लोग लगे हुए हैं, ये बहुत बड़ा विश्वासघाती है, बहुत बड़ा विश्वासघात इन्होंने भारत के साथ किया है। इसीलिए भारतवासियों को एकजुटता दिखानी होगी, इस संकटमय घड़ी में भारत सरकार का साथ देना होगा और उन लोगों का भी साथ देना होगा जो लोग अपने जान जोखिम में डाल करके इस काम को कर रहे हैं। मैं आगे न बढ़ता हुआ इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।